और मैंने इनको यूज़ किया है और अब मैं अपना शेयर करूँगी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट मैं बताती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला था। ये है नेचुरल सीबकथॉर्न फेस वॉश, ये है नेचुरल सीबकथॉर्न क्लेंजर, ये है नेचुरल सीबकथॉर्न फेस स्क्रब, दिस इज सीबकथॉर्न फेस पैक, और ये है सीबकथॉर्न नेचुरल क्रीम। अब मुझे ये पांच प्रोडक्ट्स मिले थे। ये पहला प्रोडक्ट है, ये है नेचुरल सीबकथॉर्न क्लेंजर। और क्लेंजर का मतलब होता है इसको आप फेस वॉश करने के पहले भी यूज़ कर सकते हैं और क्लेंजर आप डबल क्लेंजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला क्लेंजर, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है मेकअप मेल्ट करने में। अगर आपने मेकअप किया और आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप ये क्लेंजर यूज़ करो, इसको अच्छे से मेकअप को अपने मेल्ट करो और फिर वेट वाइप से या फिर वेट टॉवल से इसको वाइप कर लो, सारा मेकअप निकल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ डर्ट ऑन योर स्किन तो डबल क्लेंजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल क्लेंजिंग करने से पूरे जो डर्ट होता है स्किन में जो अंदर तक चले जाता है वो निकल जाता है। तो सबसे पहले ये क्लेंजर मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट इज नेचुरल सीबकथॉर्न फेस वॉश, और ये फेस वॉश सल्फेट, पैराबिन, पेट्रोकेमिकल्स एंड ऑल द सिंथेटिक केमिकल्स से सबसे फ्री है। तो ये एकदम नेचुरल है एंड दिस इज़ रिच इन विटामिन ई एंड ओमेगा 3, 6, 7 and 9। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे फेस वॉश की ये लगी कि इसको यूज़ करने के बाद आपको स्किन ड्राई नहीं लगती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा फैक्टर लगा इसका, पूरा पूरा बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट इज दिस फेस स्क्रब, एंड ये फेस स्क्रब जब आप पूरे प्रोसेस करते हो, जब आप पूरे प्रोडक्ट्स लगाते हो, तो जब आप ये फेस स्क्रब को भी करते हो तो आप इसको देखोगे कि इसको स्क्रब करने के बाद आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग लगेगी, इतनी ग्लोइंग लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी आपने फेशियल किया है। और मैं ये प्रोडक्ट खुद, मुझे एक महीना हो गया आई थिंक आई एम यूजिंग दिस, मैंने 2-3 बार इस स्क्रब को यूज़ किया एंड दिस इज़ एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सिर्फ एक चीज़ इसके साथ में आपको केयर लेनी पड़ेगी, अगर आप ये स्क्रब यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेके इसको मसाज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं थोड़े से हार्ड है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर अगर आपकी स्किन पे एक्ने है, जैसे मुझे भी एक्ने होते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ करके इसको मसाज करूँ। अदरवाइज़ दिस इज़ अ बॉम प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये एंड ये सबसे बेस्ट लगा मुझे इस रेंज का। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज सीबकथॉर्न फेस पैक एंड दिस इज़ रेडियंस ग्लोइंग फेस पैक। एंड ये जो नाम है ये इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, क्योंकि एंड दिस इज़ द बेस्ट फेस पैक। मतलब अगर आपके स्किन को आपको क्लियर करना है और आपको एकदम ग्लोइंग स्किन चाहिए विद इन फ्यू मिनट्स, तो आप बस आप इसका फेस स्क्रब यूज़ करो और उसके बाद आप ये पैक लगा लो एंड यू आर डन। 10 मिनट में 5 मिनट आप स्क्रब कर लो, 5-10 मिनट इसको लगा के रख लो एंड यू आर डन। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपकी स्किन इतनी ग्लोई और इतनी फ्रेश फील होगी इसको लगाने के बाद। एंड द नेक्स्ट इज दिस सीबकथॉर्न नरिशिंग फेस क्रीम। एंड ये फेस क्रीम को मैं अपने फेस पे भी यूज़ करती हूँ, इसको मैं अपने हैंड्स पे भी यूज़ करती हूँ। दिस इज़ द बेस्ट नरिशिंग क्रीम, एकदम नरिशमेंट देता है और इसको लगाने के बाद इतनी सेटिस्फाइंग फील आती है। मतलब अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, फ्लेकी है, तो आपको ये बहुत अच्छा सूट करने वाला है। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको इसको थोड़े से कम क्वान्टिटी में लगाना है एंड दैट्स इट, यू आर डन। तो ये थे मेरे रिव्यू अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स। मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें पैराबिन, सल्फेट, कलर, केमिकल्स कुछ भी नहीं है एंड दे आर रिच इन ओमेगा, विटामिन ई, विटामिन ए। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस, अगर आपको ये प्रोडक्ट्स खरीदने हैं और आपको नहीं पता कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूँगी, वहाँ से जाके आप DM कर सकते हैं, प्राइस के लिए पूछ सकते हैं। और आपको और कोई प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे इनके अलावा इस कंपनी के, सो यू कैन DM देम एंड आस्क फॉर प्रोडक्ट्स। सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन गो नाउ, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द गुड रिव्यूज़। सो अंटिल देन, बाय बाय।